हेलो एवरीवन, क्या हाल है। बड़ी देर से कोई वीडियो नहीं डाली, मेरे को गालियां बढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा। एज यूजुअल मेरे को पड़ती रहती है वैसे, है ना। मैं आपने देखा है हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ, गालियां बढ़ रही हैं। अच्छा, तो थिंग इज़ मैं बिजी था पीछे थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा बिजी था पिछले 2-3 हफ्ते से। और जो मेरा कैमरा वाला पार्टनर है वो भी बड़ा बिजी था, दोनों ही बहुत बिजी थे, तो वो आज भी थोड़ा बिजी है। तो आज मैं कहा चलो ऐसी फ़ोन से बना लेते हैं। तो नेक्सॉन का यार सारे बोली जा रहे हैं 2-3 हफ्ते से यार कि नेक्सॉन की डालो। एक दो के मेरे को ये भी मैसेज आया है कि यार कि आपका वीडियो देखे बिना मैं बुक कैसे कराऊं, या मुझे एक बार फाइनल करना है। तो बड़ा अच्छा लगा यार ये सुन के। तो मैंने उनको बोला कि भाई वीडियो तो बाद में डालूंगा, आप फिर ना बुक कराओ, क्योंकि थिंक इज मेरे को नेक्सॉन का मन भी नहीं था बिल्कुल वीडियो बनाने का। उसका कोई रीज़न है, तो उस रीज़न के ऊपर ये वीडियो है। तो पहले तो मैं अभी जा रहा हूँ उनकी टेस्ट ड्राइव लेने नेक्सॉन की, तो सारा चला के सारा बताऊँगा कैसी है कैसी नहीं है। बट देयर इज़ अ रीज़न Why you shouldn't put your money on a Tata product? तो वो भी रीज़न मैं आपसे सारे आज शेयर करूँगा कि क्यों नेक्सॉन हमें नहीं लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए तो सबने बता दिया होगा आपको, सारे उसके फीचर्स भी पता होंगे, उसकी ड्राइविंग भी पता होगी कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही, क्या आ रहा है उसमें क्या नहीं आ रहा। अब तो प्राइस भी आ गया है ऑफिशियली, क्योंकि लॉन्च हो चुकी है। बट टुडे वीडियो द मोस्ट प्राइमरी फोकस वुड बी ऑन कि वाई यू शुडंट बाय इट, इवन दो इट लुक्स सो गुड। या लुक्स सो गुड मतलब कि चलने में भी वो सारी चीज़ें अच्छी लगती है, तो भी आपको क्यों नहीं लेनी चाहिए, ये मैं उसके ऊपर आज फोकस करना चाहता हूँ। सो लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर द ड्राइव। आपको ये पहले बता रहा हूँ वीडियो शुरू होने से पहले कि मेरे अंदर जाने के बाद, शोरूम में जाने के बाद, सारा कुछ देखने के बाद उन्होंने पहला शॉक दे दिया जब मैं गाड़ी चलाने लगा कि यहाँ पे वीडियोग्राफी नहीं अलाउड, आप वीडियो नहीं बना सकते। मैंने रीज़न पूछा क्यों क्या, उसको कुछ नहीं पता था, कहता बस हमें मना करा है यहाँ वीडियो नहीं बना सकते। तो फिर हमने जुगाड़ू तरीके से वीडियो बनाई है। इट इज़ लाइक कि जो मेरे साथ फ्रेंड था मैंने उसको बोला भाई जैसे मर्जी करके बनानी ही बनानी है, तो वो पीछे बैठा था। तो यहाँ पे एंगल्स थोड़े से अजीब से आएंगे आज, बट आई एम गोइंग टू शेयर व्हाटएवर आई नो। तो लेट्स सी क्या है। ठीक है, ये डेमो बोर्ड हो रहा है सर, टू कप कैन होल्डिंग्स, आर्म रेस्ट विद प्रॉपर स्पेस। ये डेमो के लिए रखा हुआ प्रॉपरली, डमी ग्लोव बॉक्स भी काफ़ी स्पेसी है, विद टू कप कैन होल्डिंग्स, पेन स्टैंड, कार्ड होल्डर एंड अ प्रॉपर डायरी पैड। ये सारा सेटअप बनाया हुआ नीचे? हाँ जी सर, प्रॉपर ही बना हुआ। ये हर एक मॉडल में आपको मिलेगा स्टीयरिंग के साथ साथ आपका पैर स्विच ने पाथ गाइड। फॉर एग्जांपल नॉर्मली जब हम रिवर्स गियर लेते हैं तभी कैमरा ऑन होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूं या मैंने फ्रंट व्हील ड्राइव करो, मेरे को या बाहर का ट्रैफिक देखना कितना पीछे देखना है, हां, तो उसके लिए पार्किंग असिस्ट का आपको बटन देना है। कितनी स्पीड पे हो मतलब पहले बटन ऑन होता है। हां जी, ये बटन है, ये ऑन कीजिएगा। बैक का कैमरा बहुत स्पीड पे चल रहा हो, बैक का कैमरा ऑन पर होगा। बसों वाला हाल वॉल्वो ट्रकों में, वॉल्वो बसों में होता है, है ना, उनका चलता रहता है हमेशा। गुड है, ये ऑटो डिमिंग नहीं है, मैनुअल है। शीशे भी था छोटा यार, है ना, ब्रो डिजाइन के कारण में भी। हाँ जी, हाँ जी, विंडशील्ड थोड़ी वो तभी अच्छा, ये भी तो फीचर होगा ना फिर। हाँ जी, हाँ जी, आप स्क्रीन से देखो, भाई लोग उधर से नहीं दिख रहा आप, तो यहां से बिल्कुल डेफिनेटली। यू आर द फर्स्ट कस्टमर सर जो ये फीचर को समझ पाया है, नॉर्मली हर कस्टमर। हां यार, वाओ ये वाओ भाई, वाओ भाई, बस स्टैंडर्ड से कोई इसका बेसिक नहीं समझ पाता आज, कोई या फिर नुक्स निकाल जाता है या फिर कोई बस उसको बस उसको या फिर बस बोल के जाता है यहाँ से लीजिए प्लीज। सस्पेंशन काफी अच्छी लग रही है सर, फ्रंट पे ड्यूल पाथ इंडिपेंडेंट एंड रियर में तो सेमी इंडिपेंडेंट आएंगे। टोटल कितने एयरबैग्स हैं इसमें सर? 2 ही आएंगे सर, जो कि स्टैंडर्ड फिनिश है। 2 ही चाहिए, 2 ही है, बिकॉज इट्स अ 2 बॉक्स कार सर। आपको फीलिंग है कि प्रॉपर कॉम्पैक्ट फील कर रहे हैं, पर है ये 2 बॉक्स कार। इसमें मोड्स आएंगे, मोर ओवर स्पोर्ट्स, इको एंड सिटी मोड।
व्हाइट नहीं है, बट व्हाइट सर इसलिए है बिकॉज ऑफ जस्ट अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू सर, बिकॉज क्या होता है जस्ट व्हाइट जो शीट्स आते हैं ना, जैसे हम रात को हम जस्ट काफी हाईवे वन वे ड्राइविंग करते थे यहाँ पर, वन वे रोड्स होती हैं, व्हाइट से क्या होता है जो फ्रंट पे कस्टमर आ रहा है आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है उसकी आंखों में सर विजिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, वो ब्लाइंड होता है उसको ज्यादा दिख नहीं पाएगा, वो चीज होती है क्योंकि व्हाइट की जो विजिबिलिटी काफी ज्यादा डार्क होती है। प्लास्टिक्स काफी अच्छे हैं टाटा वाले यार, मेहनत बहुत कर रहे हैं यार, हर कार बाय कार दे आर इंप्रूविंग अ लॉट, और मेरी फ्रेंड है उसने टियागो ली है, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। ये थोड़ा यार पास होता और ही होता है ना सर, सीटिंग पोजीशन थोड़ी अजीब सी लग रही है, मतलब सही है, हाइट एडजस्टेबल है सर, हाइट एडजस्टेबल पे, हाइट के साथ में एडजस्ट कर सकते हैं प्रॉपर, नहीं थोड़ा आगे वाला आगे होने वाला सर, वो पता क्या पता है अकॉर्डिंग सबको अपना अपना पता क्या पता है, पता क्या पता है सर, जो टेलीस्कोपिक जो फीचर आया था ना कारों में, ये था इंटरनेशनल बेस्ड कार्स में था, जहां पर आपकी रूट्स जर्मन बेस्ड कार्स होती थी पहले सर, इंडियन वे में सर्वे किया गया कि टेलीस्कोपिक फेल हुआ था बिकॉज ऑफ सस्पेंशन। क्या बात है यार, बड़े प्यार से निकली सर, बट थोड़ी बिकॉज टेलीस्कोपिक हिली हुली भी जा रही है यार गाड़ी, बट कैसे मतलब स्प्रिंगी सी मूवमेंट नहीं होती जैसे, मतलब स्पॉन्जी टाइप सी भी लग रही है, समझ गया विच इज अ गुड पार्ट ऑल्सो, टेलीस्कोपिक सर इंडियन बेस पे किया हुआ था, कस्टमर टेलीस्कोपिक ही किया हुआ था, इन दैट केस अगर किस मिस हैपनिंग ऐसे होती है कि एयर बैग का भी खुलने के चांसेस होते हैं, टेलीस्कोपिक हमने बिल्कुल फ्रंट पे किया हुआ है एकदम से, जो आपकी सेफ्टी फीचर है ना वही आपके लिए एक एयर बैग हार्म कर देता प्रॉपर, वो चीज़ आई थी की स्पोर्ट है ना, पॉइंट है कि ये फॉर्म फैक्ट्री बड़ा अच्छा है क्रॉसओवर वाला ना, क्रॉसओवर कह लो जो मर्जी कह लो, कॉम्पैक्ट एसयूवी कह लो, मतलब आपको इस रेट पे एक प्रीमियम हैचबैक लेने की बजाय या एक सेडान लेने की बजाय आपको सारे फीचर से क्रॉसओवर मिल जाते हैं, और इंडिया में ये यार ऊंची गाड़ी होनी बहुत बड़ी बात है, मतलब ऑल ओवरली कस्टमर को यही चीज नहीं प्रॉपरली ध्यान में आ पाती है, इंडिया के लिए ठीक ही बैठती है बिकॉज़ आपको फीलिंग प्रॉपरली एसयूवी की आ रही है, या आप एसयूवी कार में बैठे बट है प्रॉपरली टू बॉक्स, कितना
21.5 की जो क्लेमिंग है वो कंपनी कर रही है 21.5 की। निकला हूँ थोड़ी देर पहले ही, अब जैसे पहले भी ये शॉर्ट था सिंपल सा। सो पॉइंट इज, जैसे मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ टाटा के बारे में, जो मेरा एक्सपीरियंस खराब रहा है कि इसलिए मैं टाटा पे अपने पैसे नहीं लगाना चाहता। और हर प्रोडक्ट में वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत बेटर बना रहे हैं, हर एक चीज़ अपनी कमियों को वर्क कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। सो अगर आप उनके स्पिरिट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आप उनकी कंपनी के इस बात में इन्वेस्ट करना चाहते हो कि दे आर लर्निंग फ्रॉम एवरीथिंग एंड दे आर ट्राइंग देयर एवरीथिंग टू ग्रो फास्ट, देन यू शुड बाय दिस प्रोडक्ट। बट अदरवाइज लॉजिकल रीजंस में मेरा अभी भी दिल नहीं मानता। बट कमिंग टू नेक्सॉन, गाड़ी में कोई कमी नहीं थी, परफेक्ट कार, एवरीथिंग दे आर वर्कड अपॉन। देखो सबसे पहली बात, टाटा की एक चीज़ हमेशा से बहुत अच्छी रही है, वो उनकी स्पेस और सीट्स, सुपर कंफर्टेबल। पुरानी सी इंडिका से भी लेके अब तक एक चीज़ इन पर उन्होंने हमेशा से बहुत अच्छे से वर्क करा है, दैट इज़ देयर स्पेस एंड देयर सीटिंग। सोफे वाली सीटें होती हैं, मतलब टैक्सी में मैं हमेशा ये मतलब आई फील वेरी गुड कि अगर बोल्ट या जेस्ट या वो सब आए, इंडिको तो बेचारी खड़की हुई है सारी पुरानी, तो जेस्ट या बोल्ट भी आते तो आई फील वेरी कंफर्टेबल, बड़ा अच्छा लगता है। और सेम इसमें भी था, सीट्स इनकी बहुत अच्छी हैं, पिछली वाली सीट्स भी बहुत अच्छी हैं, ब्रेजा और इकोस्पोर्ट से बेटर है, ब्रेजा और इकोस्पोर्ट से ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेग रूम बहुत अच्छा था, थाई सपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार मेरे लिए, जो मेरे को लगता है वो सबसे ज़्यादा कंफर्ट बताता है कि कितना होना चाहिए, और आपका बैक रेस्ट एंगल, और वो दोनों इनके लिए परफेक्ट था। गाड़ी अंदर से बहुत स्पेशियस है, मतलब और क्लॉस्ट्रोफोबिक वाली कोई फील नहीं आती, उन्होंने अंदर अच्छे से जगह बनाई हुई है आपका सिर नू पर लगने वाला, साइड से नो डाउट डिज़ाइन करके उनके शीशे के डिज़ाइन थोड़ा ऐसा कि आपको लगता है कि नहीं कि और थोड़ी सनलाइट आनी चाहिए, थोड़ा और खुला फील होना चाहिए, बट उतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पीछे रियर एसी वेंट्स है, सारी गाड़ी फीचर लोडेड है, एवरीथिंग इज़ ग्रेट, प्लास्टिक वॉलेट भी उन्होंने बहुत वर्क करा हुआ है, पावर विंडो अभी भी वो पुरानी इंडिका मांजा वाली दे रहे हैं, वो एक चीज़ थी जो अभी भी मैंने पकड़ ली, मतलब मैं पहले से इतना वो हुआ था कि मेरे को पता उन्होंने कोई ना कोई तो गड़बड़ करनी है। एंड द रीज़न इज़ कि वो गड़बड़ वाली क्या बातें हैं कि जब मैंने इकोस्पोर्ट ली थी तो मेरे को जेस्ट बहुत पसंद थी, जेस्ट की ड्राइविंग बहुत अच्छी थी, बट मैं जेस्ट की पहली बार टेस्ट ड्राइव लेने गया तो उसका पता नहीं क्या ख़राब था, आई मुझे रिमेंबर नहीं, बट कोई हाँ उसका जो स्टेयरिंग रैक होता है, स्टेयरिंग नीचे से ऊपर करता है, वो ही ना हो, वो फंस गया बिल्कुल ही। मैंने कहा ये क्यों हो रहा है, और वो गाड़ी चली थी आई थिंक 2500 किलोमीटर उनकी टेस्ट ड्राइव वाली, कहते भैया ऐसे ही है क्या करें हम, तो वो एक बहुत बैड ऑफ था यार कि नई गाड़ी है क्या कर रहे हो तुम, ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर सेकंड टाइम क्या हुआ कि मैं एक्चुअली मैंने 2 महीने लगाए थे इकोस्पोर्ट लेने में, मैंने हर गाड़ी की 2-3 बार टेस्ट ड्राइव ली है, तो सेकंड टाइम मैं टेस्ट ड्राइव लेने तब उनके पास कार दूसरी थी, तो मतलब एक बार मैंने मैनुअल चलाई थी, एक बार AMT चलाई थी, तो दूसरी वाली का वॉल्यूम बटन जो स्टेयरिंग वाला वही फंसा हुआ था, जैसे पुराने चाइनीज फोनों के नहीं बटन होता था, अब तो टच हो गए सारे, तो उसके अंदर बटन ही फंस जाता है, मिट्टी फंस जाती है, आई डोंट नो व्हाट एवर प्रॉब्लम, तो वो चीज़ थी। अब अभी भी वो सेम बटन यूज़ कर रहे हैं, सेम स्टेयरिंग यूज़ कर रहे हैं, तो बाकी को दिक्कत नहीं आती होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना बड़ी परेशान करती हैं यार। और जो पुरानी जितनी इंडिकाज हैं, मांजा ले लो आप, विस्टा ले लो, बोल्ट और जेट्स फिर थोड़ी बेटर है, इनकी ना चेसी का बॉडी के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है यार, मतलब आप गाड़ी के साथ एक होके फील ही नहीं कर सकते, स्टेयरिंग इतना वेग हो जाता है थोड़ी देर बाद, मतलब आप 40-50 हज़ार गाड़ी चलाई हो, इंडिका कोई चलाओ आपको लगेगा पता नहीं क्या ट्रक सा चला रहे हो यार, मतलब स्टेयरिंग इतना ढीला होता है, चाहे सफारी ले लो चाहे जो मर्जी ले लो, सफारी भी मेरे फ्रेंड के पास उसकी भी इतनी, वो बेचारा उसको हाथी बोलता, कहता ट्रैक्टर वाला हाल ही है, कहता इसमें कुछ भी वो नहीं है, कहता फिर भी पता नहीं, कहता पापा को ये है कि चल ड्राइवर चला रहा है, चलाए वो यब्बे वो, मैं पीछे बैठ के आराम से कंफर्टेबल बैठ जाता हूँ, कि ये चीज़ है। नंबर वन ये प्रॉब्लम कि आपको फीलिंग नहीं आती कनेक्टनेस की यार, इंजन नो डाउट रिफाइंड है, फीएट के इंजन में यूज़ कर रहे हैं, इंजन नो डाउट रिफाइंड है, सारा कुछ अच्छा है, बट वो चीज़ ना कि गाड़ी ढीली से लगती है कि पता नहीं कब क्या खराब हो जाए, सस्पेंशन और बॉडी की सेटिंग नहीं बैठती। ये पुरानी जितनी टाटा थी सब में मैंने फील करा है, और पुरानी टाटा की तो इतनी हॉरर स्टोरी है यार, मतलब 2 इंडिकास की स्टोरी मैंने सुनी है कि वो चढ़ते चढ़ते जी उनके इंजन में से धुआं निकलने लग गया, एक छोटा सा पुल चढ़ रहे थे, बट ठीक है यार ये पुरानी थी, अब टाटा बहुत इंप्रूव कर रहे हैं, जेस्ट उनका बहुत अच्छा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था, बहुत उन्होंने दिमाग लगाया, बट वो जेस्ट के साथ एक दो एक्सपीरियंसेस वो हो गए तो मैं उससे थोड़ा परेशान था। और 40-50 थाउजेंड के बाद खड़कने लग जाती हैं, क्यों खड़कने लग जाती हैं, क्योंकि इट इज़ लाइक कि इनका जो मेटल है वो बहुत हैवी है, तो अच्छी बात है कि मेटल हैवी है, इकोस्पोर्ट का भी हैवी है, तो फोर्ड भी थोड़ा बेटर मेटल यूज़ करते हैं, बट उनका मेटल हैवी उनकी सस्पेंशन के साथ ट्यून्ड नहीं सही बैठता, इसलिए बहुत जल्दी खड़क जाती है, और ये इंडिका इंडिगो लेवल से चलता आ रहा है ये चीज़, बट अभी इन्होंने बहुत बेटर कर दिया, इंप्रूव कर दिया, तो जेस्ट और बोल्ट भी अगर देखो 50-60 हज़ार के बाद बहुत पहले से बहुत इंप्रूव चलती हैं, बहुत बेटर है, बट फिर भी खड़का आता है और सस्पेंशन से खड़का आता है, तो वो चीज़ है तो मुझे अच्छी नहीं लगती। नेक्सॉन बहुत अच्छी थी, नेक्सॉन की ड्राइव बहुत अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा, खराब सड़कों से बहुत अच्छे से निकल रही थी, थोड़ा पिलोई सा स्प्रिंगी सा इफेक्ट है, मतलब बैठा हुआ इफेक्ट नहीं है कि अगर आप स्लो स्पीड पर निकलोगे तो आप भी वाइब्रेट सा करते रहते हो,
मतलब ये जैसे नीचे स्प्रिंग्स लगे हो थोड़े थोड़े, पर दैट इज गुड. इंजन बहुत रिफाइंड है, इंजन की नॉइस आती है अंदर, वो ब्रेजा और इकोस्पोर्ट के कंपैरेटिवली ज़्यादा है, बाकी नॉइस बाहर वाली कोई नहीं है. इंजन की नॉइस अच्छी है, फीचर्स के लेवल में इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है. इनकी टच स्क्रीन बहुत अच्छी है, ब्रेजा और उससे डेफिनेटली बेटर है. इकोस्पोर्ट की टच स्क्रीन तो चलो अभी आनी है, जो मेन वाली है, पुरानी वाली नहीं कंपेयर करूँगा. सो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी. इनका पार्किंग कैमरा का एक बटन है कि बटन दबाओ तो कैमरा ऑन ही रहेगा, चाहे आप 100-150 पे जा रहे हो. वो बहुत अच्छा मेरे को फायदा वाला फीचर लगा. उसका फायदा ये है कि आपको पिछले विंडशील्ड पर दिख रहा है नहीं दिख रहा है सेकेंडरी, आपका कैमरा हमेशा ऑन करके सारा कुछ दिखाएगा. और फर्क ये है कि वो जो कैमरा है वो वाइड एंगल है. सो बेसिकली हर एक कार में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है. ब्लाइंड स्पॉट होता है जैसे ये पीछे पिलर है, इसके पीछे अगर कोई गाड़ी होगी, ब्लाइंड स्पॉट मीन्स ऐसा एरिया आपकी कार के पीछे जहां पर किसी भी शीशे से आप वो एरिया में कोई व्हीकल होगा तो नहीं देख पाते. तो वो अगर आपका कैमरा ऑन है पार्किंग वाला, चाहे आप बहुत स्पीड पे हाईवे पे जा रहे हो, मतलब कैमरे का बटन है बेसिकली, बटन दबाओगे तो कैमरा ऑन है पिछले वाला, तो अगर वो कैमरा ऑन है तो आपको वो एरिया भी दिखता रहता है. सबको कभी भी कोई दिक्कत नहीं कि कहीं दूर से कोई बंदा आ रहा नहीं आ रहा, कि अचानक आपको पीछे मुड़ मुड़ के देखने की जरूरत नहीं, यार कोई आना जाए कोई आना जाए, कि शीशे में मुझे नहीं दिख रहा. तो वो ब्लाइंड स्पॉट का उन्होंने ब्लाइंडनेस ही हटा दी. तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग. उन्होंने टेक्नोलॉजी से अच्छा प्ले करा हुआ, टेक्नोलॉजी में अच्छा दिमाग लगा ही रहे. बाकी एक और बात, मैं अगर खुद लेने जाऊंगा मैं अभी भी नेक्सॉन नहीं लूंगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. प्रोडक्ट अच्छा है बट लॉन्ग टर्म का कुछ नहीं पता. बहुत जल्दी कंपनी इंप्रूव हो रही है, बहुत जल्दी कंपनी सीख रही है, बट प्राइसेस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है. जितने की मैंने इकोस्पोर्ट बेस मॉडल ली थी, इसका भी बेस मॉडल उतने का ही है. अब इकोस्पोर्ट अब नई वाली आएगी, आई डोंट नो, उसके प्राइसेस बढ़ेंगे, बट आज की डेट में अगर मेरे पास पैसे होते मैं फिर इकोस्पोर्ट ही ले लेता, क्योंकि उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, 20-30 हज़ार ऑफ मिल रही है, क्योंकि उनको पता नई गाड़ी आ रही है. तो एक प्रोडक्ट फिनिशिंग के ऊपर मैं बहुत मरता हूँ यार, क्योंकि वो पता लॉन्ग टर्म, क्योंकि मुझे पता है वो लॉन्ग टर्म वैसे ही चलने वाली है. सो इसके लिए आई विल प्रेफर इकोस्पोर्ट और ब्रेजा, इवन इन ब्रेजा ऑल्सो. ब्रेजा में ये है कि उतनी प्रोडक्ट फिनिशिंग अच्छी नहीं, बट क्योंकि मारुति का एक लॉन्ग टर्म ट्रस्ट है, वो एक बहुत बड़ी बात है. क्योंकि मुझे पता कभी भी गाड़ी बेच दो तो अच्छे रेट पर बिक जाएगी, सर्विस करानी तो हर बंदे को पता होगा उस कार के बारे में. बट अगर तीनों से कंपेयर करो, नेक्सॉन कम्स आउट टू बी अ बेटर अचीवर. मतलब अगर ऑन पेपर आप देखो, फीचर लिस्ट में लाओ, तो नेक्सॉन दोनों से बेटर लगती है. बट इट्स विद ऑल चाइनीज प्रोडक्ट्स, या इट्स विद ऑल बजाज का भी यही हाल है, और लॉन्ग टर्म बजाज की बहुत बड़ा हाल है. मतलब मुझे भी पता लॉन्ग टर्म आज जो लोगे और 2 साल बाद जो प्रोडक्ट होगा उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है. एंड सेम थिंग इज, इसी कारण से मैं टाटा नहीं लेना चाहूँगा, बट नेक्सॉन वॉज अ वेरी गुड थिंग. सो आई लीव इट ऑन यू, इट इज़ टोटली योर चॉइस. आप लेना चाहते हो, प्रोडक्ट बहुत अच्छा भी निकल सकता है. टाटा का स्पिरिट है, वो मेहनत कर रहे हैं, उनकी सेल्स ऑलरेडी पिछले साल से 40% इस क्वार्टर में ज़्यादा हो रही है, उनके प्रोडक्ट्स पहले से बहुत बेटर हो रहे हैं. इफ यू वॉन्ट टू बाय दैट, गो ऑन डू इट. बट फॉर मी उनके कॉम्पिटिटर्स की क्वालिटी आज भी मेरे लिए बेटर है, तो मैं आज वो लेना ज़्यादा पसंद करूँगा. सो थैंक यू एंड सॉरी फॉर द वीडियो क्वालिटी. एज यूजल तुम मेरे साथ करते हो यार, बियर यार, पिछली पहली वाली वीडियोस तो मेरा बहुत ही माड़ा हाल था. तो थैंक यू यार एंड आई लव यू ऑल. अब रेनो की कैप्चर है, उसके ऊपर बनेगी वीडियो. तीसरी अब एस क्रॉस की फेसलिफ्ट भी आ गई है, स्कॉडा की कोडिया का रही है. यार ऑटो वर्ल्ड इतनी फास्ट बढ़ रहा है ना, एक तो फेस्टिवल सीजन है, मेरे को टाइम नहीं लग रहा है यार, बट आई ट्राई की ऑल करूँ. और अंदर से मेरा सबसे ज़्यादा मैंने ऑक्टावी आरएस चलाने का है, उसका मैं जुगाड़ रहा हूँ कहीं ना कहीं से मेरे को ड्राइव मिले. मैं वीडियो बना पाऊँ ना भी बना पाऊँ, मेरे को ड्राइव का तो बहुत ज़्यादा मना है यार, क्योंकि मुझे नहीं पता वीडियो के लिए अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, आई डोंट नो, बट आई ट्राई माई बेस्ट. बट दैट इज़ लाइक, मतलब मैं पागल हो रहा हूँ उस गाड़ी के लिए. उस 24 लाख की गाड़ी में ऑडी टीटी का इंजन और गेयरबॉक्स है. इट्स 230 BHP, गोस फ्रॉम 0 to 100 किलोमीटर पर आवर इन 6.8 seconds, विच इज़ अमेजिंग. सो लेट्स सी क्या बनता है. थैंक यू ऑल, कीप लविंग यार, बाय बाय टाटा.